रायपुर में राष्ट्र जन जागरण पदयात्रा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के संरक्षक दीपक भरद्वाज पोलेजी स्टार इंग्लिश स्कूल के श्री महाराणा प्रताप स्वयं सेवकों के सहयोग से मदर टेरेसा अवार्ड क्रमांक 48 में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, स्कूली बच्चे और युवा शामिल हुए। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने बताया कि आज मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि मैं हिंदू हूं, हिंदुस्तानी हूं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की जो भारत को अखंड भारत और विश्वगुरु बनाने की परिकल्पना है, उसी कदम पर चलते हुए हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम के संरक्षक दीपक भारद्वाज ने बताया कि कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य हम सभी हिंदुस्तानियों में हिंदुस्तान राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद को जागृत और प्रेरित करना है। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में समाजसेवी महिला पुरुष छात्र छात्राएँ भाग ले रहे थे, जिसका पद निर्धारण आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। पदयात्रा का आयोजन लिटिल स्टार स्कूल के संचालक राजेश साहू जी के द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोगों ने उनका सहयोग किया। और नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है, उसके तहत भारत को अखंड भारत बनाने के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए जो कार्य किए जाने चाहिए, उसी कार्यक्रम में आज ये पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। और मदर टेरेसा वार्ड अंतर्गत ये पदयात्रा पूरे वार्ड में घूमी है, और जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हुए हैं। और ये पहला आयोजन था, आने वाले समय में इसको और वृहद रूप में इसका आयोजन किया जाएगा, ऐसी मेरी आशा और कामना है। जय हिंद, जय भारत। इस दिशा में हम प्रत्येक नागरिक को सोचने की आवश्यकता है, तब जाकर हम एक विश्व के अंदर में एक बड़ी शक्ति के रूप में हम निर्धारित होंगे। मुझे लगता है इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास आज सभी साथियों ने मिलकर किया है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा संदेश आम लोगों को देगा, जो लोग शायद अपनी सामाजिक भूमिका, अपनी राष्ट्र के प्रति जो भूमिका होनी चाहिए, जिस चीज को किन्हीं कारणों से समय नहीं निकाल पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा का कार्यक्रम बनेगा। भारत देश जिस तेज गति से नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसे समय में राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम भी कदम से कदम मिलाकर जो राष्ट्रहित में जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें हम भी भागीदार बने। इसलिए हर एक राष्ट्र के नागरिक को जागृत होना पड़ेगा। वैसे भी भारत देश के सभी नागरिक जागृत है, लेकिन अपना समय निकालकर हर एक इस तरह की चीजों में अपने को संलग्न करना है। इस विषय को लेकर आज हमारे श्यामनगर क्षेत्र के मदर टेरेसा वार्ड के हमारे संघ परिवार के सभी लोग मिलकर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीपक भाई, हमारे जो वहां पार्षद चुनाव लड़े हैं, हमारे बीजेपी के नेता हैं, सबने मिलकर एक राष्ट्र जागरण पदयात्रा का यहां पर कार्यक्रम किया है। और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, हमारे स्कूल के बच्चे, ये सभी पदयात्रा में शामिल हैं। राजतंत्र स्थापित हो गया है, लेकिन समाजतंत्र, अर्थात समाज को किस तरीके से हम मजबूत करें। ब्यूरो रिपोर्ट।